Hello dear learners, greetings to the day in day 11. You're most welcome. And as always, I expect that you would have done, completed your day 10 and you're not jumping on day 11, skipping anything. Okay, so let's start. आज हम लोग सीखेंगे फोर न्यू अल्फाबेट्स अगेन इन अ फैमिली. देखिए हम सिखाते कैसे, आपको एक टेक्निक सिखाएं और आप पूरी फैमिली सीख जाए, राइट? ऐसे ही हमने अल्फाबेट्स को सॉर्ट आउट किया हुआ है, लेटर्स को एक साथ अलाइन किया हुआ है. आइए देखते हैं. सो मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग इंग्लिश का आर बना लेते हैं? पहले आर की प्रैक्टिस करेंगे. आर ऐसे ही तो बनता है, बना लेते हैं आर की, नहीं बना पाते. अगर आर नहीं बना पाते तो पहले ये आर बना. मैंने क्या बोला था ना, अगर इंग्लिश मुझे नहीं आती है तो हिंदी नहीं आ सकती, राइट? देखिए पहले आर की प्रैक्टिस करिए. आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये नहीं आ रहा है तो पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना आप आगे न बढ़े आपसे कुछ नहीं बनेगा, राइट? ये बन गया, हो गया, पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, सिखाएं आगे का. चलो देखते हैं. अब देखिए आपको त्र बनाना आता है? नहीं आता तो मैं फिर से बता रहा हूं, पहले मैं बता चुका हूं. त्र बनाने के लिए ये बनाते ना, त्र सिखाया है ना, डे टू में सिखाया था, आई गेस, करेक्ट? ल जब सिखाया था तब सिखाया था आपको. देखिए कैसे त्र बनेगा, दिस लैंड एंड दिस लैंड, राइट? दिस इज व्हाट त्र. अब यही त्र हम बनाएंगे और देखो क्या करेंगे. ये तो मैंने ऐसे बनाया था, फिर मैं इसको यहां से नीचे ला रहा था, अब मैं क्या करूंगा देखो, करेक्ट? मैं यहां से आर बनाऊंगा, इस जगह से आर, इस यहां इंटरसेक्ट करेगा, क्या बन गया, रिर से ऋषि, करेक्ट? आप देखो रिर से ऋषि कैसे बन रहा है, फिर से देखिए, गड़बड़ी नहीं करिएगा. अगर आर बनाना नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा आपसे. देखिए बहुत सिंपल है, यहां से गए, दिस इज रिर से ऋषि. आर बनाना आ रहा है आप बना लेंगे, आर नहीं बनाना आ रहा है आप इसको नहीं बना पाएंगे. सो दिस इज एग्जैक्टली आर जो आगे बना रहा है. बस अंतर क्या है, आर में मैं यहां से ले जा रहा था, इसको मैं स्ट्रेट ले, देखिए ये टर्न होकर स्ट्रेट जा रहा था, ऐसे आ रहा था, इसमें मैं यहां से जा रहा हूं और इसको थोड़ा सा टर्न कर रहा हूं. देखिए इसमें डिफरेंस देखिएगा, ये आकर के स्ट्रेट जा रहा है, ये आकर के हल्का सा नीचे बेंड हो रहा है और क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, करेक्ट? सो दिस फिगर यू आर सीइंग. अब इसी आर से दूसरा फिगर देखिए, देखिए यहीं से चलना है हमको, जहां से हम चल रहे थे. ये चीज ध्यान रखिएगा ना, ये हमने बनाया था ना, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा. देखिए यहां से शुरू हुए, ये गए और इस बार ऐसे आ गए पैरेलल इसके, देखिए यहां से गए, ये टर्न हुए, इसके पैरेलल आ गए, देखिए वही चीज है बिल्कुल. देखिए आर ही है, मैं यहां जाता हूं, यहां जाकर के मैं यूं कर रहा था, एग्जैक्ट, करेक्ट? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं और मैं रिटर्न आ रहा हूं वापस. देखिए वही आ रहा है, मैं रिटर्न वापस आ रहा हूं, बन रहेगा ना इतना, देखो ये क्या बन गया. देखो ये हैक्स हैं, हमने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, एक एक अल्फाबेट पे देखा है इसका फॉर्मेशन किस लेटर से मिल रहा है, हिंदी से इंग्लिश में कहां मिल रहा है, इंग्लिश में आपस में कनेक्शन कितना अच्छा हो रहा है. सो एक जैसे अल्फाबेट से, तभी हम बोलते हैं ना इसको स्टेप बाय स्टेप. देखिए ये क्या हो गया, श्र, श्र से श्राप वाला श्र, ठीक है, बन गया, बन रहा है. दो मैंने सीखे अभी तक, क्या सीखा, एक तो मैंने ये सीखा और दूसरा मैंने क्या सीखा, मैंने ओ आई एम सो सॉरी ये सीखा, राइट? तीसरा मुझे क्या सीखना है, देखिए नेक्स्ट अल्फाबेट देखिए, यहां से हम आए,
अब ये सेंटर पॉइंट लीजिए, यहां से थोड़ा सा ऊपर जाइए, गए ऊपर, यहां से ऊपर जाकर के ये एस बना दीजिए, बनाते ना एंड बनाते ना, ये एंड बनाते हैं, ये बना लेते ना एंड। अब जैसे एस बनाते ना, ये एस बनाते ना, ये एस बनाते ना, ये तो एस बना लेते हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा एंड होता है इंग्लिश का, ये एंड होता है ना, बना लेते हैं एंड। आइए देखिए, यही एंड बनाना है हमको, कहां से बनाना है, क्या बन गया, शसे क्षत्रिया। सो ये इसकी प्रैक्टिस है कि नहीं है इस एंड को बनाने की, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम इस एस की इसकी प्रैक्टिस करें या फिर हम एस की प्रैक्टिस करें, इसको इनवर्स प्रैक्टिस करें, देन आफ्टर आई कम हियर, मैं यहां से शुरू करेंगे, ये क्या हो गया श, श से क्षत्रिय वाला श, देखिए ये क्षत्रिय वाला तो है, अभी य लिखना मैंने नहीं सिखाया आपको, इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा हूं अभी आपको, करेक्ट, दिस इज क्षत्रिय वाला श। सो व्हाट आई हैव लर्न टुडे, आई हैव लर्न त्र, आई हैव लर्न रिव, आई हैव लर्न श्र एंड आई हैव लर्न श, करेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए इसकी, डू इनफ प्रैक्टिस, एंड यस डे 12 ओपन मत करिएगा जब तक आप इसकी इनफ प्रैक्टिस न करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।